श्री गुरु नानक देव जी के चरणों से जुड़ने के लिए भाई साहिब गुरप्रीत सिंह जी रिंकू वीर जी द्वारा 24 घंटे हर पल सिमरन और कीर्तन कथा का आनंद पाने के लिए अमृत वेला टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है, बड़ी प्यारी। इसे ये पता चलता है, अगर मुसीबत के समय चिंता करने के बजाय चिंतन किया जाए तो क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म लिया है, अगर सुख है तो दुख भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। ये सिचुएशन हर एक के साथ जीवन में आनी ही है, इसलिए अगर पहले तैयारी हो तो फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में नाम आया है गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय, भाई कटारू। इसने बेनती की गुरु अर्जन देव जी महाराज का प्यारा सिख के पाछा दूर प्रदेश में जाना पड़ रहा है कारोबार के लिए। वहां पर मुगलों का राज है, डर लगता कोई बिपता ना आ जाए कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, भाई कटारू हमारे चार वचन मान ले, तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे लिए भी है, जो गुरु साहेब जी किसी को उपदेश देते हैं वो हम सबके लिए होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहला वचन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया कि अमृत वेला नहीं छोड़ना। दूसरा, श्री जपजी साहेब जी की वाणी से जुड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे तेरा कारोबार है, किराने की दुकान थी उसकी, भाई कटारू की। कहने लगे तेरा कारोबार किराने की दुकान का है। तीन प्रकार के लोग होते हैं, कम तोलने वाले, पूरा तोलने वाले और थोड़ा ज्यादा तोलने वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे दुकान पे ज्यादा तोल के देना किसी को भी, जब तक पलड़ा भारी ना हो जाए, नीचे ना चला जाए। जब भी किसी को तोल के दे तो ज्यादा तोल के दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी कमाई में बरकत पड़ेगी। गुरु नानक पातशाह ने सारी दुकान लुटा दी थी, तेरा भाई तेरा। वो पत्थरों के दर्शन कराए जाते जो वट्टे वो रखते थे तोलने के लिए, गुरुद्वारा है। गुरु नानक पातशाह ने तेरा तेरा करके सारी दुकान लुटाते थे। तेरा तेरा का भाव क्या था, जो भी जितना भी कुछ दे जाए, उन्होंने जितना मांगा उतना दे देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई एक टका दे रहा है, कोई एक पैसा दे रहा है, कोई एक रुपया दे रहा है, जितना वो मांगता उसे देते जा रहे हैं। दुकान लुटा दी पूरी मोदी खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकायत पहुंच गई कि गुरु नानक पातशाह ने सारी दुकान लुटा दी आपकी। वो भी टेंशन में आ गया जिसकी दुकान थी आए वो। बड़ी लंबी साखी घटना है, दास शॉर्ट में बता रहे। जब हिसाब किया गया बहुत ज्यादा प्रॉफिट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा रहे, कहने लगे जब सब कुछ है ही तेरा, नुकसान कैसे हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी सोच है, बस हमारी सोच छोटी है। महापुरुषों के वचन है, कम तोल कर देना, कम माफ कर देना, कहते थे बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे लोग जितना मर्जी नाम जप लें, फल बहुत थोड़ा मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो ईमानदारी की कमाई करता है, थोड़ा नाम जपा हुआ भी ज्यादा फल देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कटारू से कहने लगे गुरु अर्जन देव जी महाराज, ज्यादा तोल के देना। और चौथा वचन, कोई गरीब आ जाए जिसके पास पैसा नहीं है, कुछ मांग रहा है, तेरी जितनी समर्था है उतनी सेवा करके भेजना, खाली मत लौटाना किसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे वचन देते हैं, तेरे अंग संग गुरु रहेगा अगर ये चार वचनों की पालना करेगा। पहला क्या, अमृत वेला। दूसरा, जपजी साहेब जी की वाणी। तीसरा, ज्यादा तोलना। चौथा, कोई गरीब आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए, खाली मत लौटाना, जितना हो सके उतनी सेवा करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कटारू चला गया।
अब जरा विचार कीजिए, कोई इस प्रकार से दुकान चलाए कि ज्यादा तोल के दे, कोई खाली वापस जाए ना तो उसकी दुकान पर तो भीड़ लगेगी ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आस्ते आस्ते इतना नाम हो गया भाई कटारू का कि उसकी दुकान खुलने से पहले बार ग्राहक खड़े रहे कि ज्यादा तोल के देता है, ईमानदार है। पर जब दूसरे दुकानदार थे उनसे देखा नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हमेशा से चलता आया है, आज का दिन आज की बात नहीं है ये। दास बता दे यहाँ पर बात बीच में निकली है तो, गुरु अर्जुन देव जी महाराज के वचन है, कई लोग आते हैं कि दुकान नहीं चलती, ग्राहक नहीं आते। मैं आपको दो चार एड्रेस ऐसे दे सकता हूँ सत्संग जी, आप जाके देखो, हैरान हो जाओगे। आज मंदी के दौर में जिसके पास, लोगों के पास ग्राहक नहीं है, जिन्होंने ये जुगती अपनाई है जो महापुरुषों ने बताई थी दास को, दासी ने उन्हें बताई, वो हैरान है। खुद फोन आते हैं उनका कि हैरान है हम, किसी के पास ग्राहक नहीं है, हमारी दुकान पे भीड़ लगी हुई है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। क्या करते हैं, वैसे तो गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन तो वो है ही जो है, पर कुछ अलग भी कहा महापुरुषों ने। कहने लगे एक दुकान थी, शोरूम नाम नहीं लेगा दास, फिर वो उजागर हो जाता है। दास ने उन्हें कहा, उन्हें देख के बहुत लोगों ने शुरू किया है, हो सके तो कर लो। उनके करीब 50-60 लोग काम करते हैं दुकान पे, बड़ा शोरूम है। मुझे ले गए थे वहां पे, तो मैंने कहा इतने लोग हैं आपके पास तो सारी संगति घर पे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुकान खुलती है 10 बजे, मैंने कहा 10 बजे का टाइम रखो, बस 10 से सिर्फ 13 मिनट, 10:15 तक सबको इकट्ठा कर लो एक जगह पे, और 13 मिनट सब बैठ कर वाहेगुरु शब्द का जाप करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब जितना भी स्टाफ है, जितने भी लोग हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं रोज। और गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन, आप सोचो वाइब्रेशन क्या हो जाएगी दुकान की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो स्टाफ की सोच, उनकी सोच भी बदल जाती है काम करने की, हर तरह की वाइब्रेशन बुरी खत्म हो जाती है वाहेगुरु शब्द के जाप से। गुरु अर्जन देव जी महाराज के जो वचन है, अगर दुकान नहीं चलती कहते थे गल्ले पे बैठकर एक श्री जपजी साहब जी और सुखमनी साहब जी का पाठ करने के बाद ही ग्राहक से बात करें, दुकान 1 घंटा पहले खोल ले, पाठ करने के बाद ही ग्राहक से बात करें, कहते थे हो ही नहीं सकता कि उसको कभी मंदी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बरकत पड़ेगी ही पड़ेगी, पर हमारी प्रॉब्लम पता है क्या, 4 घंटे दुकान ज्यादा खोल लेंगे पर ये नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि विश्वास नहीं है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कौन 1 घंटा बैठ के सुखमनी साहब जी का पाठ करे, इससे अच्छा 4 घंटे दुकान ज्यादा खोले दिमाग। किसी ने कहा भाई आप, भाई साहब ये सब क्या बताते हो, पाठ करो दुकान पे बैठ के, उनको उल्टा उनको बताओ कि बिजनेस करते कैसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि सही माल रखो, सही चीज रखो, सही जगह पे रखो। मैंने कहा ये तो उन्हें पता ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारे दुकानदार बैठे हैं, धर्म के नाम पे बुद्धि बंद हो जाती है, बाकी दुकान पे जाके देखो इनसे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई मिलेगा नहीं आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और खास करके हम सिंधी दुकानदारी में हमसे आगे कौन हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन है कोई पल्ले बांध ले गुरु अर्जन देव जी महाराज के, ऐसा हो ही नहीं सकता बरकत ना पड़े दुकान पर पहले श्री जपजी साहब जी का पाठ और सुखमनी साहब जी का पाठ हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समा आ गया, जो ईर्ष्या कर रहे थे लोग जिनकी दुकानों पे बिजनेस कम हो गया क्योंकि गलत तोलते थे, भीड़ यहाँ पे आने लगी, तो उन्होंने सोचा इसका क्या किया जाए भाई कटारू का। तो उन्होंने एक स्कीम लगाई कि जब भाई कटारू का ध्यान यहाँ वहाँ हो तो जो वजन होता है जिससे तोलते हैं उसमें हेर फेर कर दिया जाए, वजन बदल दिया जाए, और जाके शिकायत कर दी नवाब से कि ये कम तोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके वट्टे जो वजन होते हैं जिससे तोलते हैं 1 किलो 1/2 किलो पाओ, वो सब बदल दिए, उसका ध्यान बदला कर, और शिकायत कर दी और हाकम ने भेज दिया आदमी चेक करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आ गए दुकान पर, भाई कटारू काम कर रहा है, कहने लगे वजन चेक करना है। भाई कटारू कहने लगा मैं कम नहीं तोलता, मैं तो ज्यादा तोल के देता हूँ, मुझे मेरे गुरु का हुक्म है।
कहने लगे नहीं तेरे वजन गलत है, शिकायत आई है। भाई कटारू कहने लगा देख लो वजन। और जब भाई कटारू की निगाह वजन पर गई हैरान हो गया, ये तो मेरा वजन है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझते देर ना लगी कि मेरे साथ हेरा फेरी हो गई है। भाई कटारू ने जो किया उस वक्त बस वो करना सीख ले हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल समय आया, दुकान बंद हो सकती थी, सील कर दिया जाती थी उसकी दुकान। उसने ये नहीं कहा कि रिश्वत ले लो जान छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लड़ा नहीं, घबराया भी नहीं, क्या किया, कहने लगा ठीक है आप चेक करो, मुझे मत बुलाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साइड में बैठ गया समाधि लगाकर, ध्यान गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में और श्री जपजी साहब जी का पाठ करना शुरू कर दिया भाई कटारू ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा था तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, जपजी साहब जी की बाणी को पकड़ के रखना, अमृत वेला संभालता है। मुश्किल समय आया, घबराया नहीं, मन डोला नहीं, जपजी साहब जी की बाणी का आसरा लिया, वाणी पढ़नी शुरू कर दी। क्या किया उसने, चरण कमल चित रहे ओ समाए, चरण कमल चित रहे ओ समाए, चरण कमल चित रहे ओ समाए, रहे ओ समाए, चरण कमल चित रहे ओ समाए, मन नाड गए तन काहे को से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भाई कटारू श्री जपजी साहब जी का बाणी पढ़नी शुरू कर दी, मन जोड़ दिया गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों से। यहाँ पर ऑफिसर्स वजन चेक करने जा रहे हैं, एक तरफ अपने वजन लेकर आए, एक तरफ इसका रख रहे देखने के लिए कम कौन सा है, कितना कम है। वहां पर श्री अमृतसर साहब जी में गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे हैं, लोग आगे माथा टेक रहे हैं उनको, बहुत सारे पदार्थ रख रहे हैं, हीरे जवाहरात रख रहे हैं। किसी ने आकर एक टका माथा टेका, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वो टका अपने हाथ में पकड़ लिया। कभी इस हाथ में रखते हैं, कभी इस हाथ में रख लेते हैं, कभी इस हाथ में रखते हैं, कभी इस हाथ में रख लेते हैं, बार बार यही करते जा रहे हैं। सेवादार ने पूछा अच्छा ये क्या लीला है, लोग बड़े बड़े हीरे जवाहरात रख लेते हैं, वो आप नहीं देखते, एक टके को इतना प्यार दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं, बात यह नहीं है, हमारा प्यारा सिख भाई कटारू उस पर विपता आन पड़ी है, उसके वजन चेक किए जा रहे हैं, जिस तरफ वजन कम होने लगता है हम ये सिक्का उस तरफ रख देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहां पर ऑफिसर्स वजन चेक कर रहे हैं, जिस तरफ कम होने लगता है गुरु अर्जन देव जी महाराज सिक्का दूसरी तरफ पकड़ लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबते वड्डा, सबते वड्डा सत गुरु नानक। अगर चित गुरु अंगद देव जी महाराज के वचन याद रखो, अगर सिमरन साथ में है, गुरु साथ में है। जिन लोगों को इस बात पर विश्वास है ना, सात संगत जी हमें तो विश्वास नहीं है ना,
मैंने ऐसे सत्संगियों के दर्शन किए, उनके साथ में रहा हूँ। अब ये ऐसी बातें पता नहीं बतानी भी चाहिए कि नहीं, कोई समझ पाएगा कि नहीं, पर उनके मन की अवस्था समझाने के लिए कि जो समझते हैं साथ में है, बाथरूम जाने से पहले अरदास करते पार्षद थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाओ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्था क्या है जरा विचार करो, ये उनकी है जिन्हें लगता है कि गुरु साथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम इस प्रकार से कहां सोच सकते हैं, ये महापुरुषों की बातें होती है। जिस प्रकार से बाबा आनंद सिंह जी सोचते थे, आज तक मैंने किसी की इतनी सोच नहीं पढ़ी भी नहीं कहीं पर। गुरु साहब जी को पंखा लोग आगे से लगा के बैठ जाते हैं अपने पे हवा लेने के लिए, पाठी जो पाठ करते हैं। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे गलत है, हवा तुम्हारे शरीर को छूकर गुरु साहब जी को लग रही, तुम्हारी झूठी हवा गुरु को लगे। कहते थे पंखा आगे रखो, हवा गुरु साहब जी को लग के तुम्हें छुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बारीकी से कौन सोच सकता है, कोई चौर साहब करे तो कहते थे इस प्रकार करो, गुरु की पगड़ी को लग रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सोच सकता है, वही सोच सकता है जिसका चित वाणी से जुड़ा हुआ हो, उसे एहसास हो कि गुरु साथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखिर में वजन चेक करने वाले हैरान हो गए कि वजन तो एकदम ठीक है, भाई कटारू से माफी मांगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिन्होंने शिकायत की थी वो भी हैरान हो गए, वजन तो हमने बदले थे फिर कैसे पूरे हो गए। गुरु ने रखा की पर क्यों की, विचार करने वाले पॉइंट यहां पर ये क्यों की। भाई कटारू घबराया नहीं, भाई कटारू ने गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसने क्या किया, मुश्किल समय आया चित जोड़ लिया वाणी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए एक बात को यहाँ पे दास थोड़ा सा समझा दे, हम पे भी कभी और मुसीबतें आती हैं, पता चलता है अचानक एक्सीडेंट हो गया है किसी घर वाले का, यहाँ कोई बड़ी मुसीबत आ गई है, कुछ हो गया है, हम सबसे पहले फोन घुमाना शुरू करते हैं। बाबा नानक सिंह जी कहते थे मदद मांगने जाना बुरी बात नहीं है, जाना है हर एक को मेहनत करनी, घर बैठे बैठे थोड़ा सब कुछ हो जाएगा, पर सबसे पहला काम सिख वो करे गुरु को अरदास करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहला काम उसी वक्त खड़ा हो जाए, पानी पड़ के गुरु को अरदास करे, पाचा ये तकलीफ आई है मैं मदद मांगने जा रहा हूँ, मदद भी तब होगी जब तू वर्तेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो साथ ना हो ना साथ संगत जी, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं मुश्किल समय में, अगर वो साथ हो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं मुश्किल समय में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी को साथ ले लो, मुश्किल समय आए सबसे पहले अरदास बाणी शुरू, और साथ में फिर मत मांगो, अंदर बाणी चलती रहे, मन में ये भावना रहे पाछा करेगा तू ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।